और इसी बीच गरियाबंद से खबर, जहां पटवारी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। 18 महीने से वेतन न मिलने से वो परेशान है और इसकी वजह से पटवारी ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। और आपको ये भी बता दें कि शांडिल्या मेनपुर विकास खंड में ये पटवारी पदस्थ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान भी है, चूँकि पिछले 18 महीने से इसको वेतन नहीं मिला है। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी इसने सौंपा है। 18 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है पटवारी। पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुरुषोत्तम, क्या वजह रही जिसकी वजह से 18 महीने से वेतन नहीं मिला है पटवारी को? जी देखिए, ये तिलक सिंह सांडिल गरियाबंद जिले के देवभोग का निवासी है, लेकिन मैनपुर विकासखंड में पिछले 8-9 साल से वो पटवारी के रूप में पदस्थ है। हालांकि उसकी तबीयत खराब होने के बाद लंबे समय से वो बीमार चल रहा था। 7 साल तक उसने नौकरी से हट गया हुआ था, लेकिन 18 माह पहले उसने ज्वाइनिंग किया था और ज्वाइनिंग करने के बाद लगातार जो है वेतन की मांग कर रहा है। और उसका 7 साल जब बीमार था तो गरीब परिस्थिति का व्यक्ति है, उसने बहुत सारे कर्ज भी लेके रखे हैं, उसकी जमीन जायदाद सारे बिक गए हैं, उसकी माँ भी बीमार रहती है, तो काफ़ी हताश और परेशान थे। अपने ड्यूटी देने के अलावा खाली टाइम बजट टाइम में वो अपने जो है नौकरी के वेतन के पैसे के लिए वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। इस मामले में जब हमने कलेक्टर से बात किया तो उनका कहना था कि जब बहुत सारे नोटिस उस पटवारी को दिया गया है, नोटिस देने के बाद नोटिस का जवाब तक पटवारी द्वारा नहीं दिया गया है, न ही पेशलिप जमा किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पटवारी को लंबा चौड़ा योजना के लिए काम लिया जाता है, उस पटवारी के लिए अगर उसको इधर पटवारी का कहना है कि उसने सारे दस्तावेज और सारे औपचारिकता उन्होंने पूरी किया है, लेकिन जब थक गया प्रशासन, उसकी मदद नहीं की, तो उसके बाद जो है थक हार के उसने इच्छा मृत्यु की मांग के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा और बकायदा कलेक्टर को इसका ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। 18 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है पटवारी।